फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको पोटैटो लॉलीपॉप कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, ये पोटैटो लॉलीपॉप बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, टी टाइम स्नैक्स है और क्रिस्पी है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैं यहाँ 4 आलू को बॉईल करके इसको अच्छे से मैश कर ली हूँ। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। ये यहाँ मैं ली हूँ 2 हरी मिर्च, इसको मैं बारीक चॉप कर ली हूँ और 1 इंच अदरक है, इसको मैं ग्रेट कर ली हूँ। पाउडर मसाला में हम लेंगे ये धनिया पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ हमको चाहिए स्वाद के अनुसार नमक। ये 1 बड़ा प्याज है, इसको मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। यहाँ मैं ली हूँ 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसको हम पानी के साथ एक होल बना लेंगे। और यहाँ मैं ली हूँ ब्रेड क्रम्स, ये 4 से 5 टेबलस्पून होगा। इसके जगह पे आप कॉर्नफ्लेक्स को भी चुरा करके ले सकते हैं। इसके अलावा हमको चाहिए तेल छानने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को ले लेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ये धनिया पत्ती डाल देंगे, जो हम ऑनियन काट के रखे थे इसको भी डाल देंगे, ये अदरक और हरी मिर्च जो काट के रखे थे इसको भी डाल देंगे और इसके साथ ये पाउडर मसाला भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम जो ये कॉर्नफ्लोर लिए थे इसका घोल बना लेते हैं। तो इसमें पानी डाल के इसको घोल बना लेते हैं। तो ये हमारा घोल रेडी हो गया है, इसमें मैं 1/4 कप पानी डाली हूँ। तो हमारा पोटैटो भी रेडी है, घोल भी रेडी है, तो अब हम बॉल बना लेंगे। अब ये जो हम पोटैटो लिए थे इसका हम बॉल बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे ताकि ये बॉल हाथ पे चिपके ना। अब हम ये बाइट साइज का आलू ले लेंगे और इसको गोल गोल शेप बना लेंगे। तो इसी साइज का हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। इसी तरह हम जितना भी मिक्सचर है सबका ऐसे बॉल बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बॉल बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम घोल बनाए थे इसको और एक बार घोल लेंगे। अब जो हम बॉल बनाए थे बॉल को घोल में डिप कर लेंगे। अब इसको हम जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसमें कोट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉल रेडी हो गया। इसी तरह हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। इसमें हम ऐसे डिप कर लेंगे। अब इसे निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह हम बाकी सबको भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बॉल कोट होके रेडी हो गया है। मैं तेल गरम कर दी हूँ और हम इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये तेल हमारा गरम हो गया है। अब जो हम बॉल बनाए थे बॉल को इसमें छान लेंगे। इसको हम मीडियम आंच पे ही तलेंगे। इसको हम गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बॉल्स रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। तरह हम बाकी सबको भी छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बॉल्स भी रेडी हो गया है, तो अब हम सबको निकाल के सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोटैटो लॉलीपॉप बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हूँ एक नई रेसिपी के साथ।